तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करेंगे हमारे एंड्रॉयड के मेन बेसिकली यहाँ पर सेटिंग्स के बारे में। फिर हम बात करेंगे एडवांस सेटिंग्स के बारे में। तो पिछला वीडियो ना देखा तो देख ले, क्योंकि ये तीसरा पार्ट है हमारा एंड्रॉयड का। तो यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर देख सकते हो यहाँ पर कि हमने पहले बहुत सारे कंट्रोल पैनल की सीरीज बनाई थी, लेकिन अभी हमारा जो एंड्रॉयड का सीरीज स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर। तो पिछले दो वीडियो एंड्रॉइड के देख ले। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेरा कंप्यूटर की तरह यहाँ पर एक सेटिंग्स दिया है वाईफाई का, ब्लूटूथ का। तो वाईफाई का क्या काम होता है, हम स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं कि वाईफाई और ब्लूटूथ एक तरह का ऐसा डिवाइस है। तो पहले बहुत ही पुराना टाइम था तो ब्लूटूथ भी चल रहा था यहाँ पर, लेकिन ब्लूटूथ से जो बड़ी बड़ी फाइल होती थी एक डिवाइस से दूसरे एंड्रॉयड डिवाइस को अंदर ट्रांसफ़र करने के लिए, वो बहुत ही स्लो यूज़ होती थी। वो 802.11b नेटवर्क यूज़ करता था। वो क्या होता है वो नेटवर्क में हम पढ़ेंगे, नेटवर्क की सीरीज़ के अंदर। तो 802.11a, b, n इस टाइप के होते हैं। तो ये जो वाईफाई हमारा यूज़ होता है 802.11n यूज़ होता है यहाँ पर। बहुत ही फास्ट वाईफाई सिस्टम है यहाँ पर। जैसे तो यहाँ पर कि व्हाट्सएप की तरह यहाँ पर बहुत सी सारी यहाँ पे एप्लीकेशंस हैं। कुछ एप्लीकेशंस हमारे एंड्रॉयड के मोबाइल फ़ोन हम लेते हैं उसी के अंदर यहाँ पर स्टोर होती हैं यहाँ पर पहले से, जिससे हमें और अच्छी तरह से एंड्रॉयड को यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पर बेनिफिट होता है। तो अभी तो मैंने आपको विजेट के बारे में बताया था क्या होता है। तो हमारा जो अभी एंड्रॉयड डिवाइस है, वो मैंने पहले भी मैंने कहा था कि हमें ये दूसरा यहाँ पर वर्जन है एंड्रॉयड के, बहुत सारे अलग अलग वर्जन है। एंड्रॉयड लॉलीपॉप है, एंड्रॉयड यहाँ पर मार्शमेलो है, एंड्रॉयड बहुत सारे हैं। तो अभी तो वर्ज़न क्या होता है उसके बारे में बात नहीं करेंगे, अभी तो हम बात करेंगे कि सेटिंग्स के बारे में। तो अभी तो हम बेसिकली सेटिंग जो होती है हर एंड्रॉयड के अंदर, जैसे तो यहाँ पर कि यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर सेटिंग्स है। तो आपका सेटिंग्स को यहाँ पर ढूंढना है तो आपको ढूंढ सकते हो, यहाँ पर कोई भी नाम लिखना है तो लिख सकते हो। जैसे कि मैं आपको बताऊँगा कि मुझे कोई सेटिंग्स ढूंढनी है, तो उस सेटिंग्स को कैसे ढूंढेंगे। तो आप देख सकते हो कि मुझे ढूंढनी है वाईफाई। तो वाईफाई के जैसे आप देख सकते हैं वाईफाई के लिए मैं लिखा WI। तो देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर लॉग ऑन अलाउ एप्स, यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे सेटिंग्स ओपन हो चुकी हैं यहाँ पर। तो क्या होता है कि ये वाईफाई का जितना भी रिलेटेड यहाँ पर सेटिंग्स होगा वो मुझे बताएगा। ओके, तो यहाँ पर जो एंड्रॉयड जो बना है वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू ही बना है, लेकिन ये एक छोटा कंप्यूटर तरीके से काम कर सकता है यहाँ पर। तो बहुत सारे एडवांस हमारे नेटवर्क के अंदर, हमारे इंटरनेट के ऊपर आ चुके हैं ये एप्लीकेशन, इसके बारे में बात करेंगे। अभी तो हम बात करेंगे सेटिंग्स के अंदर। तो पहली सेटिंग्स है वाईफाई। तो वाईफाई क्या होता है बेसिकली, वाईफाई एक ऐसा यहाँ पर टेक्नोलॉजी यहाँ पर सिस्टम है कि जिससे हम हमारा जो वाईफाई का जो डिवाइस एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, जिस तरह से हम नेटवर्क के अंदर कनेक्ट करते हैं, उसी तरह से एक वाईफाई से हम दूसरे मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हो। कटिट देख सकते हो यहाँ पर कि अभी तो हमें ऑन करना होगा, और वो वाईफाई जैसे ऑन होगा तभी हमें वो नेटवर्क मिलेंगे जो हमारे नेटवर्क के अंदर, वाईफाई के नेटवर्क के अंदर आएंगे। तो बेसिकली वाईफाई जो होता है एक जो होता है हॉटस्पॉट की तरह होता है। तो हॉटस्पॉट को आपको ऑन करना पड़ेगा, और दूसरा डिवाइस क्या करेगा उसको एक्सेस करेगा। तो हॉटस्पॉट क्या होता है, कैसा यहाँ पर फैसिलिटीज होता है कि जो वो अपना खुद का एक नेटवर्क तैयार करे वाईफाई के लिए, और वो वाईफाई ही होता है, लेकिन वो क्रिएट करने को करता है, एक तरह का जनरेट करने को करता है एक नेटवर्क को, और दूसरे जो लोग होते हैं उसको क्या करते हैं एक्सेस करते हैं वाईफाई को। तब देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ स्कैनिंग करना होगा, तो आपको स्कैन क्या करना होता है यहाँ पर, वाईफाई के जितने भी आपके नेटवर्क के अंदर आएंगे, वाईफाई के डिवाइसेस जितने भी लोग होंगे, या फिर राउटर होंगे, DSL वायरलेस वाईफाई होंगे, वो भी यहाँ पर आपके एंड्रॉयड के अंदर कैप्चर होंगे। तो कैप्चर का मतलब होता है कि यहाँ पर वो शो करेंगे, उसका नाम होता है, और हमें जब वाईफाई को यूज़ करना होता है तो उसका हमें पासवर्ड एंटर करना होता है, तो इसको हम सिक्योरिटी की कहते हैं। तो
जो लोग सिक्योरिटी क्यू इंटर करते हैं वाईफाई के अंदर, क्योंकि उसका यूज़ ना हो, मिस यूज ना हो, एक तरह से यूज़ हो यहाँ पर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर वाईफाई को किस तरह से स्लीप रखना है। तो स्लीप क्या होता है कि जब हमारा वाईफाई जो ऑन तो हो जाता है, लेकिन अगर हमारा जो कब अब कब वाईफाई यूज़ करें, जब हमारा एंड्रॉयड बंद हो जाए, जैसे कि हमारा एंड्रॉयड जो मोबाइल बंद हो जाता है, तो जब हम स्टार्ट करेंगे तब क्या स्टार्ट होना चाहिए। तो ये भी यहाँ पर देख सकते हो कि ऑलवेज लिखा है यहाँ पर। तो जब तक ये सेटिंग्स जो आप ठीक तरह से समझ नहीं पाएंगे, तब तक वाईफाई का यूज़ नहीं कर पाएंगे अच्छे तरह से। तो यहाँ पर जैसे कि ओपन फ्रॉम लिखा है यहाँ पर रिसेंटली, ये क्या एक तरह की सेटिंग्स है यहाँ पर। और ये क्या करता है यहाँ पर, आपको यहाँ पर अलग अलग तरह की इंटरनल सेटिंग्स की तरह यहाँ पर कटीट यहाँ पर अलग तरह की यहाँ पर सर्विसेज मिली है यहाँ पर। तो ये कोई सर्टिफिकेट है आपके पास, सर्टिफिकेट का क्या मतलब होता है वो मैंने आपको कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट में बताया था। तो वहाँ जाकर आप देख ले कुछ सेटिंग्स है हमारे वाईफाई के लिए। तो वाईफाई के कौन कौन से सेटिंग्स होने चाहिए, जैसे तो पेयर टू पेयर डिवाइस है। पेयर टू पेयर डिवाइस मतलब एक एंड्रॉयड से दूसरे एंड्रॉयड को कनेक्ट करना, और ग्रुप है कुछ यहाँ पर। तो वाईफाई को डायरेक्ट कनेक्ट करना है, फिर आपको देख सकते हैं यहाँ पर WPS प्लस बटन पटीट, WPS पुश बटन है यहाँ पर। WPS पुश बटन क्या करता है कि ये यहाँ पर हमें बताता है कि कौन सा वाईफाई का जो यहाँ पर नेटवर्क जो होता है वो एंटर है यहाँ पर। तो मैं ऑन कर दूंगा। ओके, तो मुझे इसके लिए मुझे अपना वाईफाई यूज़ करना पड़ेगा। ऑन करा, देख सकते हो यहाँ पर कुछ यहाँ पर इंफॉर्मेशन को चेक करने के लिए, बताने के लिए यहाँ पर मुझे बता रहा है कि कौन कौन से यहाँ पर राउटर जो होता है हमारा वाईफाई का राउटर जो होता है, DSL राउटर होता है, उसके साथ यहाँ पर कनेक्टिविटी जो हमें चेक करनी होती है या तो फिर हमें उसको कॉन्फ़िगर करना होता है राउटर को। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है यहाँ पर एक तरह का एक्सेस करने के लिए सेटिंग से यहाँ पर। तो देख सकते हो कि कोई भी हमारा WPS के नेटवर्क में कोई भी हमारा DSL राउटर होगा तो वही आएगा। वैसे बहुत सारे यहाँ पर नेटवर्क होता है, WPA 2 WPS, तो बहुत यहाँ पर अलग अलग नेटवर्क होते हैं, लेकिन ये सिर्फ WPS नेटवर्क पर ही काम करेगा और किसी जगह पर काम नहीं करेगा। तो जनरली जो होता है यहाँ पर वो क्या करता है, वो एक तरह की प्रोसेस स्टार्ट करता है, DSL राउटर को एक रिक्वेस्ट भेजता है। जब तक वो DSL राउटर के साथ ठीक तरह से उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं देता, जैसे कि पासवर्ड की, मतलब यहाँ पर पासवर्ड कोई हैक नहीं होगा, मतलब कि वो WPS यहाँ पर सिस्टम में ठीक तरह से चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर आपका राउटर रिबूट करना है तब इसको कॉन्फ़िगर करना है, तो आप यहाँ से भी एंड्रॉयड से भी कर सकते हो, लेकिन हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे नेटवर्क के टाइम के अंदर। किस तरह से साइन होगी आपके राउटर के ऊपर जो WPS आपका एक तरह का यहाँ पर राउटर होगा। तो ये क्या करता है कि बेसिकली आपको चेक करके बताता है कि कौन कौन से यहाँ पर जो सिस्टम होती है WPS नेटवर्क के अंदर, जितने भी आपके नेटवर्क के डिवाइस होंगे वो यहाँ पर शो करेंगे। तो जनरली ये वही लोग यूज़ करते हैं जिसके पास DSL वाईफाई WPA का नेटवर्क यहाँ पर राउटर हो। तो तीन चीज़ें आपको होना चाहिए, DSL, WPA और यहाँ पर उसकी तरह WPA की तरह यहाँ पर नेटवर्क कॉन्फ़िगर किया हो। ओके, तो आप देख सकते हो कि प्रोसेस हो चुकी है और मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन भी दी है उसने। तो क्या हो ये इन्फॉर्मेशन हम चेक करेंगे। तो आप देख सकते हो कि अभी तो कुछ यहाँ पर अगेन मैं ट्राई करने को बोल रहा है, लेकिन कुछ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मुझे आ चुकी है यहाँ पर। तो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, यहाँ पर मेरा वाईफाई का जो सिंबल है वो एक्टिव है, मतलब मेरा वाईफाई तो मैं पहले से स्टार्ट करके फिर मैंने चेक किया था। तो ये भाई एंट्री एक तरह का, लेकिन ये WPS पेन एंट्री है यहाँ पर। ये क्या करता है कि एक तरह का राउटर की, जैसे आप देखा था कि DSL राउटर जो होता है वो एक रिक्वेस्ट भेजता है चेक करने के लिए अपने नेटवर्क को, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि ये जो होता है वो अलग तरह का यहाँ पर नेटवर्क का यहाँ पर सेटअप होता है। तो इसके जो कुछ यहाँ पर फ़ायदे भी है, जब हमारा राउटर ठीक तरह से काम नहीं होता है तो हमें कुछ यहाँ पर नंबर देते हैं यहाँ पर,
जैसे तो यहाँ पर नंबर है, तो ये क्या होता है कि हम अपने WPA राउटर की तरह यहाँ पर हम कनेक्शन को यहाँ पर कम्प्लीटली प्रोग्रेस हो रही है हमारे कनेक्शन की वो चेक कर सकते हैं हमारे सिस्टम के अंदर। ओके, तो बेसिकली हमारा जो यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर सिस्टम होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे हमारे WPS के साथ कंप्यूटर भी हो सकते हैं, टैबलेट भी हो सकते हैं, एंड्रॉयड भी हो सकते हैं डिवाइसेस, तो हर कोई यहाँ पर कोई यहाँ पर डायरेक्टली एक्सेस ना करें, इसलिए यहाँ पर इसको चेक भी किया जाता है नेटवर्क के अंदर। तो आप देख सकते हो कि जितने भी हमारे जो सेटिंग्स होते हैं, जितने भी हमारे एंड्रॉयड के सेटिंग्स जो होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर वाईफाई के लिए भी इम्पोर्टेंट सेटिंग्स होते हैं, उसके अंदर इस तरह से कंट्रोल करना, इसकी सिक्योरिटी यहाँ पर एंड्रॉयड के अंदर भी दिए गए हैं। तो कुछ सेटिंग्स जो होती है वो हमें यहाँ पर चेंज करनी होती है, चेक करनी होती है, कुछ सेटिंग्स करनी होती है जिससे हम, तो इस तरह से यहाँ पर हमारा DSL राउटर के साथ हमारा जो कनेक्शन जो होता है वो भी हमें देखना है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर। तो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि ब्लूटूथ के बारे में। तो ये हमारा वाईफाई का एड्रेस है, देख सकते हैं यहाँ पर। तो अगर आपकी वाईफाई का कनेक्ट है तो यहाँ पर आपका IP एड्रेस बताएगा। तो फ्रेंड्स, ये मेरे सोशल कॉलेज एंड एंटरटेनमेंट चैनल है ये, और इस चैनल के अंदर आपको सब्सक्राइब कर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर सब्सक्राइब कर क्लिक करने से आपका जीमेल ID के अंदर आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा जो भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा, और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा आपके अकाउंट के ऊपर, आपका जो यूट्यूब का जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, जो भी आपका मोबाइल के अंदर आप यूट्यूब चला रहे हो, या तो फिर आपको ब्राउज़र वाइज आप यूट्यूब चला रहे हो तो भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। मैं तरह तरह की वीडियो यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ, कि हर एक टाइम के अंदर आपको बताता रहेगा कि कौन कौन से आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। यहाँ पर प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर मेरी सारी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ये कंट्रोल पैनल की सीरीज़ की प्लेलिस्ट है, तो मैं कहूँगा कि ये सारी पार्ट वाइज है, तो पहले पार्ट वाइज ही ये वीडियो देखे तभी आपको पता चलेगा। और यहाँ पर दूसरी प्लेलिस्ट है यहाँ पर विंडोज़ की, तो विंडोज़ 10 के अंदर कौन कौन से सेटिंग्स है, तो ये भी प्लेलिस्ट है। तो सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको चला तो नोटिफिकेशन मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।